नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट सोल कड़ी, जो बहुत हेल्दी ड्रिंक है, और उसी नारियल के एक्सट्रैक्ट से हम बनाएंगे कॉर्न कोकोनट कटलेट। कोकोनट सोल कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप नारियल, 10 से 15 कोकम, शक्कर, नमक, जीरा पाउडर, 1 हरी मिर्ची, 3-4 लहसुन की कलियां और छोटा अदरक। तो सबसे पहले हम कोकम को पानी में आधे घंटे के लिए भिगो देंगे और छान कर उसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद हम नारियल को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे। अब हम मिक्सर में मिर्ची, अदरक, लहसुन और नारियल को आधा कप पानी डालकर पीस लेंगे। पिसे हुए मिक्सचर को हम मलमल के कपड़े से छान लेंगे और नारियल का दूध निकाल लेंगे। अब इस नारियल के दूध में हम कोकम का पानी डालकर उसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हमारी सोल कड़ी बनकर तैयार है, जो बनाने में काफी इजी है और न्यूट्रिशियस भी है। आप भी अपने घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। नारियल का दूध निकालने के बाद जो हमारे पास कोकोनट एक्सट्रैक्ट बचा था, उससे हम कोकोनट कॉर्न कटलेट बनाएंगे। जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्न, कोकोनट एक्सट्रैक्ट, नमक, चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर, यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और नींबू। सबसे पहले हम कॉर्न को कीस लेंगे। अब इस किसे हुए कॉर्न में कोकोनट एक्सट्रैक्ट, कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मिश्रण की टिक्की बनाकर इसे क्रश कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। अब हम इन्हें धीमी आंच पर पैन में शैलो फ्राई करेंगे। अब हमारे कोकोनट कॉर्न कटलेट खाने के लिए एकदम तैयार हैं।